भाई मोबाइल पीछे संजय जी हाँ अरे मेरे सामने मत आना आपके हाथ में नहीं मैडम चेंज कर लो हो गया हल्के जल्दी आओ अशोक भाई बोला भैया ये लो अशोक जी चलो नहीं नहीं मैं वो नहीं बोलेंगे मैं बोलता हूँ बाद में बोलेंगे वो पिक्चर की बात दूसरी कोई बात नहीं बताऊँ मेरा नाम राजदीप है और मैं कहीं गुजराती फिल्मों में काम करता हूँ 25-30 साल से काफ़ी गुजराती फिल्में की हैं कहीं सुपरहिट फिल्में दी हैं और मैंने अभी दो हिंदी फिल्म बनाई है ये पहली है ये कैसी आशिकी और दूसरी फिल्म आएगी हम तो चले प्रदेश सर ये किस तरह की मूवी है अनुपात ये एक दुनिया को एक मैसेज देना है आप देख रहे हैं कि आज ये यंग लड़कियां पैसे धनवान आदमियों को जो उम्र लायक इंसान है उनको कैसे प्यार में फंसाती है और कैसे उनके साथ धोखा करती है और उनकी ज़िंदगी से खेलती है उस पर उसके ऊपर हमने पिक्चर बनाई है जिस तरह के एक मर्डर हुआ था आपने देखा होगा वो शीना बोरा हत्या केस इसी टाइप का इसको टच करता हुआ इसी उसके उनसे हमारी स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है लेकिन उसी टाइप का ये मर्डर केस है इसमें हॉरर सस्पेंस मर्डर थ्रिलर और बहुत ही सस्पेंस इतना ज़बरदस्त है कि मैं कोई बोलिए हिंदी मूवी है हिंदी मूवी जब गुजरात में हिंदी रिलीज हो रही है तो फिर डब करने का प्रश्न होता नहीं सर पूरे हिंदुस्तान में हिंदी पिक्चर लोग पसंद करते हैं गुजरात में गुजराती लोग पसंद करते हैं तो फिर जब गुजरात में हिंदी लगी रही है तो डब करने का प्रश्न होता है आज इसकी स्क्रीनिंग रखी गई है स्क्रीनिंग में लोग बड़े बड़े स्टार को बुलाते हैं आपने एक खास मेहमान को बुलाया है जी जी हाँ यशोदा जी को तो इसके मैं सारी जिंदगी मेरी बड़ी बहन का एहसान नहीं भूल सकता क्योंकि ये इतनी महान हस्ती है देवी है और मैं चाहता था कि मेरी फिल्म रिलीज होने से पहले
इन देवी का मैं आशीर्वाद लूँ, मेरी बड़ी बहन का, और वो मेरे को मेरी फिल्म के लिए, मेरे लिए, हमारे तमाम परिवार के लिए, हमारे फिल्म के साथ जितने जुड़े कलाकार हैं उन सबको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ तक आई, और जो कष्ट उन्होंने उठाया और हमारे को जो प्रोत्साहन जो इज्जत दी, हम सारी जिंदगी सात जन्म भी बहन का ऐसा नहीं भूल सकते साहब। मोबाइल उठा लो, किसका है ये? हमारे फिल्म में स्टार कास्ट, जब हमारे फिल्म का म्यूजिक इतना जबरदस्त है, टी सीरीज ने म्यूजिक लॉन्च किया है, एक महीने में 2 लाख सीडी बिकी गई है, गाने बहुत अच्छे हैं, और जो प्लेबैक सिंगर है वो भी बहुत अच्छे हैं, हमारे फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो बहुत ही नामी डायरेक्टर है गुजरात में, फर्स्ट नंबर उनका नाम आता है, सुभाष जय शाह, बड़ी इज्जत से उनका नाम लिया जाता है, मान सम्मान से बहुत ही उन्होंने हिट फिल्में दी है। इसी तरह से जो म्यूजिक है हमारा वो भी बहुत अच्छा है, हमारे संगीतकार जी हैं अपने शिवम जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा संगीत दिया है, ऐसे प्लेबैक सिंगर है जहीर राज जो लंदन में 6 महीने गाते हैं और 6 महीने इंडिया में शो करते हैं, जहीर राज की आवाज़ इतनी ज़बरदस्त है कि आप देखकर आप फिल्म देखिए उसके बाद आप खुद कहोगे बहुत अच्छा है। अब रहा कलाकारों की बात, तो हम जितने कलाकार इस फिल्म में हैं तो हम लोग सब किसी न किसी फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हिंदी मूवी हमारे लिए पहली मूवी है, इसलिए हम ये समझते हैं कि ये हमारी न्यू मूवी है, और हम भगवान से, साईं बाबा से, अल्लाह से, खुदा से प्रार्थना करते हैं कि एक बार जो हमारी फिल्म देखेगा, मैं चैलेंज करता हूँ कि वो 10 बार देखेगा ऐसी फिल्म हमारी। थैंक यू सर। खाली फिल्म हमारे मैं पहला 2 वर्ष पहला सूरत अमारा भाई ब्रह्मवाड़ा रहता है एमना घेर गया अने त्या आगे अमारो एमने भाई ने परिचय थयो अने भाई साथे अमारे एम के बहन तरीके मने एमने मानी अने कहे के तमारे कहीं हो तो मारे घेर आवानुं अने भाई शूटिंग करवाना से दिवसे अमने कह्युं कि बहन आज अमारे एम के शूटिंग करवानुं छे तमे एम के जोवा माटे आप हिंदी बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, हिंदी चैनल से सब हिंदी में जाएगा तो अच्छा लगेगा, जितनी हिंदी बोल पाते हैं हिंदी हिंदी नहीं आती है अच्छी भाईगी जितना हिंदी आता है अच्छी अच्छी खाती है। आशीर्वाद दीजिए भाई को, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद, मैं अपने भाई को आशीर्वाद देने आई हूं। एक मिनट, क्या पहुंचे आज यहां पर, क्या है आज ये बात करें? हमको भाई को आशीर्वाद देते हैं कि इनकी शूटिंग अच्छा हो गए और सब आगे बढ़े, ये हम प्रार्थना करती हूँ। कैसा लगा आपको मुंबई में ये लॉन्च पे आके फिल्म के लिए? भाई को हमारे घर आए थे और कहा था कि तुम हमारे शूटिंग के लिए हाजिर रहेगी। मोदी जी से आप फिल्म के साथ मोदी जी आगे बढ़े ये हम प्रार्थना करते हैं। बस मोदी जी आगे बढ़े, हम यही प्रार्थना करते हैं। आगे आने वाली फिल्मों में क्या आप भी गुजराती फिल्मों में नजर आएंगे? अगर तो बढ़े तो अजी भी आगे बढ़े, हिंदी में, दिल्ली में भी आगे, हिंदी फिल्मों में भी आप फिल्मों में काम करना चाहेंगे? अरे बाप रे, आप मत बोलो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आप मत बोलो प्लीज, एक मिनट। आप फिल्मों में काम करना चाहेंगे? आप इसके पहुंचे हैं फिल्म के लिए आज, क्या आपको फिल्म का अगर ऑफर आता है बनाने के लिए, भाई बोलते हैं तो फिल्म, मेरा भाई बनाता है ना, फिर बोलते बोलना है भाई को कहता है ना, आप फिल्मों में एक्टिंग करेंगे? नहीं। हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो, हाँ करेंगे भाई को आगे बढ़े, मैं प्रार्थना करता हूं। और गुजराती लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आज हिंदी? कभी मीडिया के सामने आते जहीर राज। इस फिल्म में म्यूजिक की बात करें, आपने इस फिल्म में म्यूजिक किया है? म्यूजिक मैंने सिंगिंग किया है। किस तरह के गाने? ऑल टाइप ऑफ सॉन्ग्स, आइटम सॉन्ग्स भी है और एक सूफियाना अंदाज भी है।
बहुत सारी चीज़ें हैं, चार सॉन्ग्स हैं टोटल पूरी फिल्म में, चारों चार अलग अलग टेस्ट के सॉन्ग्स हैं। आपको कैसा लग रहा है कि आपकी म्यूजिक लॉज पे स्क्रीनिंग में खास मेहमान आए हैं जिसका कोई सोचा भी नहीं था? नेवर नेवर एक्सेप्टेड, आज समझ लो जन्नत के दरवाजे खुल गए मेरे लिए इस जगह पर, तो क्योंकि इतनी बड़ी महान हस्ती के बाजू में खड़े रहने का भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ। किस तरह की लाइनें हैं आपकी जी? सिचुएशन के अकॉर्डिंग लाइनें हैं गाने की या किस तरह के गाने हैं? सिचुएशन जैसे जैसे मूवी में जो जो सिचुएशन है वो सिचुएशन के हिसाब से हो रहा है पूरे पिक्चर में। जैसे कि अगर कुछ सैडनेस हुआ तो थोड़ा बहुत वो भी है, मौका भी है, और लास्ट में जो क्लाइमेक्स सॉन्ग है वो तो आप देखिए, उसके बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, आप देखिए बहुत ही मज़ा आएगा। ज़्यादातर गाना सुनाना चाहेंगे अपनी दर्शकों? जी मैं तो यूँ ही कहूँगा कि हम तो एक गाना, हम तो लुट गए यूँ हुस्न के बाजारों में, महकी बहारों में रंगी नजारों में, बॉम्बे में आ गए तो रंगी नजारों में आ गए। सुभाष जी आपका नाम? सुभाष श्याम मेरा नाम है। ये सब्जेक्ट जब हमने फिल्म शुरू की तो इसका सब्जेक्ट ही सबसे पावरफुल चीज़ है, और कोई भी फिल्म अगर सब्जेक्ट पावरफुल है और उसको अच्छी तरह से बनाना हमारी जिम्मेदारी होती है, तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इसको हमने ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छी थी, डेफिनेटली चलेगा। स्टारकास्ट इसमें सभी नए स्टारकास्ट हैं, लेकिन आपको फिल्म देखते हुए ऐसा लगेगा नहीं कि स्टारकास्ट नहीं है, सबने बहुत अच्छा काम किया है और ट्रेन लोग हैं जिन्होंने जिनको बहुत स्टेज का और ये एक्सपीरियंस था वो लोग। एक्चुअली जो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो उनको अपना भाई मानते हैं, तो उन्हीं का वही उन्हें जानते हैं और एक उनके लिए फैमिली है यहाँ, जिस तरह से उनके हमने कोई पॉलिटिक्स के लिए नहीं आई हैं, वो ये सिर्फ उनके ब्रदर के लिए आई हैं जिन्हें अपना भाई मांगते हैं राजदीप। देखो सामने देखो कैमरे देखो, कैमरे में देखो एक मिनट, चलो काटो। हाँ जी हाँ जी,